हे हाय एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ आज हम इस वीडियो में एम एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन साइंस मॉक टू टेस्ट टू को डिस्कस करने वाले हैं ये मॉक टेस्ट टू का पार्ट थ्री है इससे पहले पार्ट वन एंड टू मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है जिसमें जी के और इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है और मॉक टेस्ट वन भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मॉक टेस्ट वन एंड टू जाके सॉल्व कर सकते हैं सो गेट्स लेट स्टार्ट द वीडियो सो so फ्रेंड्स इसमें टोटल फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के और फाइव क्वेश्चन लास्ट में फोर्टी फाइव के बाद जो फिफ्टी तक क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग के रहेंगे तो वन टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन आर फ्रॉम साइंस क्योंकि एम के एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा ही है लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज़ द नेचर ऑफ डी वन मोर थिंग कि इसमें बायोलॉजी के मैंने थर्टी फिजिक्स के टेन एंड केमिस्ट्री के टेन क्वेश्चन लिए हैं तो वन टू थर्टी क्वेश्चन आर फ्रॉम बायोलॉजी सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डी बेसिक एसिडिक एल्कालाइन नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज एसिडिक डी एन ए का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है जबकि प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिक होता है आपने पढ़ा होगा हिस्टोन प्रोटीन जिसके चारों तरफ इस तरह से डी एन ए रहते हैं तो ये एसिडिक और ये बेसिक नेक्स्ट इज पॉलीनेशन बाई बर्ड इज़ कॉल्ड औरथीनोफिली हाइड्रोफीली एनोमोफीली एंटोमोफीली करेक्ट आंसर विल बी औरफीली और नीथोफीली एनीथोफीली हाइड्रोफिली जो होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाए हैं इससे पहले साइंस के उनमें भी बता रखा है ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं डेल इज़ द ब्रीड ऑफ विच एनिमल ये कौन से एनिमल का ब्रीड है हॉर्स टोंकी शीप घोट करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज शीप हिसाडिल जो है वो पंजाब में डेवलप करवाया गया है इन पंजाब एंड ये जो है क्रॉसिंग बिटवीन बिकनरी ईव्स एंड मरीनो रेम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ एम आर एन ए रिमूव ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे कौन से पार्ट को निकालते हैं इंट्रॉन एक्सॉन कोडोन सिस्ट्रॉन करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के स्प्लाइसिंग uh, जो प्रोसेस होता है थ्रू स्प्लाइसिंग प्रोसेस इंट्रॉन पार्ट को निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन Next question is Cell theory was proposed by botanist, zoologist, botanist and zoologist, psychologist. Correct answer will be both A and C, that is botanist and zoologist. This Schwan and Schwann Kitwara discovered discovered cell theory. Next question is In pond, there were 20 hydrilla plants. Through reproduction, 10 new hydrilla plants were added in a year. Calculate the birth rate of population. तो हमें यहाँ पे बर्थ रेट बताना है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था इसमें यही था कि प्लांट की जगह हाइड्रोला की जगह फ्रॉक को लिया गया था इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दी करवा रही हूँ मैं भी इस टाइम भी आ जाए इससे रिलेटेड बर्थ रेट मोटेलिटी नेटेलिटी टॉपिक पे सो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें इसमें बर्थ रेट और पॉपुलेशन पूछा गया है सो क्या इसमें जो दिया हुआ है हमारा इनिशियल नंबर जो है इनिशियल नंबर Hydrilla का पॉइंट में वो है ट्वेंटी और जो बाद में ऐड हुए हैं वो है टेन और हमारा टाइम पीरियड जो है वो वन ईयर का दिया हुआ है तो अगर हम सॉल्व करें इसे बर्थ रेट अगर निकालना हो तो बर्थ रेट के लिए होता है बर्थ रेट इज़ इज इक्ल टू बर्थ रेट इज़ इज इक्ल टू नंबर ऑफ़ पर ईयर विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन तो इसमें हम क्या करेंगे टेन uh, जो है पर ईयर हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे कितने हैं पहले से ट्वेंटी अगर इसे कट कट करेंगे तो आंसर विल बी ज़ीरो पॉइंट फाइव दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव पर ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगोज एग्रोज एक्सक्रेटेड फ्रॉम सी बर्ड्स इज यूज इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टिश्यू कल्चर पी सी आर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेक्ट आंसर विल बी डी दैट इज़ जल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज जेल का यूज़ होता है आपने पढ़ा होगा इस प्रोसेस को फिंगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आर एसोसिएटेड विथ बैक्टीरिया एंड फंगस एल्गी एंड बैक्टीरिया फंगस एंड एल्गी फंगस एंड वायरस करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज़ फंगस एंड एल्गी इन दोनों के एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकंस लाइकन्स जो है वो नॉन पोल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं लाइकन्स नेक्स्ट इज द साइट ऑफ कैलविन साइकिल इन सी फॉर प्लांट इस पैरेंकेमेटर सेल मीजोफिल सेल बंडल शेट सेल ग्राना करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज़ बंडल शेट सेल नाइन का सी गाई साहब आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं मैंने पहले की वीडियो में बताया अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम मेरी देख रहे हैं तो जब भी आप वीडियो देखें एक कॉपी और पेन लेके बैठे जिसमें वन टू तो फिफ्टी नंबर डालें और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लिखें अगर सही आंसर होता है टिक मारे गलत होता है तो कोई भी मार्क्स ना दे उसे क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है कट भी नहीं होगा इससे आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा तो लास्ट में आप कैलकुलेट कीजिएगा फिफ्टी में से कितने नंबर आ रहे हैं और फिर मुझे कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व बाय ए वी लियोनहाक इन विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया आरबीसी स्पर्म ऑल ऑफ दिस तो पहली बार लिविंग सेल इन साइटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो किस किया था तो आंसर हो जाएगा डी दैट इज़ ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीयर प्रिट्यूटर ग्लैंड लैक्रीमल ग्लैंड जीज ग्लैंड थाइमस ग्लैंड करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज लैक्रीमल ग्लैंड हमारे टीयर्स जो होते हैं आई में यहीं से प्रोड्यूस होते हैं जीज ग्लैंड अगर मैं बता दूँ तो ये ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है जो हमारे आईलेट्स को लिब्रिकेट करता है थाइमस ग्लैंड तो पता होगा हमारे चेस्ट वाले एरिया के पास होता है एंड पी टूटी ब्रेन में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन शेयरिंग एनसिस तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जिनके एसिसटर कॉमन नहीं होते हैं जिनके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन असिस्टर्स होते हैं स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विथ इन्वायरमेंटल ऑफ ह्यूमन रेस इज इवोल्यूशन यू जेनिक्स यू थेनिक्स करेक्ट आंसर विल भी बी डेट इज यू जेनिक्स फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था इसलिए मैंने यहाँ पे एक पर एक बार पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनिक हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिसम रोजोम सेंट्रोजोम वैक्यूल करेक्ट आंसर विल बी बी डेट इज रईबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है वैक्यूल्स आर ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैनरे टोलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज स्टीनोहलाइन यूरीथर्मल पॉइक्लोथर्मल होम्योथर्म करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज यूरीथर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंटरेक्शन बोथ स्पीसीज आर एडवर्सली अफेक्टेड अगर पूछा है बहुत स्पेसिस एडवर्सली अफेक्टेड दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव तो करेक्ट आंसर जाएगा कंपटीशन कॉम्पिटिशन क्योंकि इसमें दोनों ही अफेक्ट होते हैं म्युचुअलिज्म में दोनों प्रॉफिट होता है दोनों का दोनों का प्रॉफिट होगा पैरासिटिज्म में वन प्रॉफिट होगा एक का लॉस होगा और कमेंसलिज्म में वन विल बी प्रॉफिटेड अदर विल बी अनएफेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस आर हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट हिमालयन इंडो बर्मा ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी दैट इज़ ऑल ऑफ दिस हमारे इंडिया में टोटल थ्री हॉट हैं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो टोटल थर्टी फोर हॉट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द बॉडी ऑर्गेन बॉडी और पार्ट ऑर्गेन पार्ट डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस कौन सा है बॉडी का ऑर्गन या फिर पार्ट जो हमारे डाइजेशन में काम नहीं करता है बकल कैविटी स्टमक फूड पाइप इंस्टीटाइन करेक्ट आंसर विल बी फूड पाइप डैट इज़ फूड पाइप में हमारा कोई डाइजेशन नहीं होता है बकल कैविटी में भी होता है लाइक like, कार्बोहाइड्रेट का थर्टी परसेंट जो होता है वो हमारे माउथ में हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू पोटैटो जिंजर टर्निप कोल करेक्ट आंसर विल बी सी डैट इज़ टर्निप स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मोडिफिकेश रूट मोडिफिकेशन है और टर्निप इज ऑल्सो रूट मोडिफिकेशन वेयर कॉल पोटैटो एंड जिंजर दे आर स्टेम मोडिफिकेशन सो होमोलोगस जो होते हैं जो सेम हो बाई सिस्टर नेक्स्ट इज विच इज द इन्यूक्लिएटेड ह्यूमन सेल सी यू ट्यूब डब्ल्यू बी सी आर बी सी जॉम सेल करेक्ट्रांस वी आर बी सी सी यू ट्यूब भी इन न्यूक्लेटेड होता है जिसमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है बट ये प्लांट सेल है यहाँ पे ह्यूमन बताया तो आप पहला ऑप्शन देख के टिक मत मार देना गलत हो जाएगा लास्ट ईयर जैसे आया था प्लांट सेल लगाया हुआ था और उसमें ये दोनों ही ऑप्शन दिए हुए थे जिसने आर किया होगा वो गलत होगा बट यहाँ पर आंसर आर ही होगा जबकि इन डब्ल्यू बी सी में सेल होता है और जर्म सेल में भी न्यूक्लियस नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट और हैविएस्ट एंटीबॉडी आई जी ए आई जी जी आई जी एम आई जी ई ट्वेंटी वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज़ आई जी एम दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएसट एंटीबॉडी विच राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो नॉन एज एडेप्टर आर एन एम आर एन ए आर आर एन एस एन आर एन ए टी आर एन ए करक्ट आंसर विल बी डी दैट इज टी आर एन ए को अडेप्टर आर एन ए भी बोलते हैं विच इज़ नॉट फैट सोलबल विटामिन विटामिन ए विटमिन ई विटाम सी विटमिन बी करेक्ट आंसर विल बी सी डेट इज़ विटाम सी विटमिन सी जो होता है वो फैट इंसोलबल होता है सी एन बी ये दोनों ही फैट में इंसोलीबल होते हैं नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी कॉल वॉइस बॉक्स लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया इसोफेगस करेक्ट आंसर विल बी ट्वेंटी फोर का ए दैट इज लैरिंग्स ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है नेक्स्ट इज एक्रोमियन प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होते हैं इलियम ह्यूमरस स्कैपुला अलना करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज स्कैपुला स्कैपुला हमारे बॉडी के पीछे में जो ट्राइंगर ट्राइंगुलर ट्रायंगुलर बोन्स होते हैं यहाँ पे उन्हीं को बोलते हैं स्कैपुला यहाँ पे ही एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज यिया पेस्टिस इस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बर्टुलिज्म एंथ्रेक्स प्लैग रेबिस तो एयरसनिया पेस्टिस जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका है वो है सी प्लैक का ट्वेंटी सिक्स का आंसर सी हो जाएगा ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू बोन बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है टेंडन लिगामेंट मसल कार्टिलेज करेक्ट आंसर विल बी बी डैट इज लिगामेंट और अगर बोन और मसल के बीच की बात की जाए तो उसका आंसर टेंडन होगा नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बोन डिजीज जो पानी से नहीं फैलता है अस्थमा कोलेरा एमिबेसिस टाइफॉइड करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज़ अस्थमा ये पानी के थ्रू नहीं होता है जबकि ये तीनों होते हैं नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन नॉर्मली ग्रो टॉइस ट्वेंटी ट्वेल्व सिक्सटीन थर्टी टू करेक्ट आंसर विल बी बी ये दो बार होते हैं एक होते हैं परमानेंट टीथ एक होते हैं टेम्प्ररी टीथ तो ये टेम्प्रेरी होते हैं जो दोबारा निकलते हैं नेक्स्ट इज़ विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रिशिपियंट ग्रुप ए ग्रुप सी ग्रुप ओ ग्रुप ए भी करेक्ट आंसर विल बी डी दैट इज़ ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपियंट होते हैं जबकि ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर सो so गाइज हमारे यूनिवर्सल डोनर होंगे सो so फ्रेंड्स हमारे बायो के टोटल थर्टी क्वेश्चन हो गए हैं अभी नेक्स्ट टेन क्वेश्चन जो होंगे वो केमिस्ट्री से होंगे और उसके बाद फिजिक्स थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सिलिकेट सोडियम सल्फेट सोडियम सिलिकेट करेक्ट आंसर वो बी डी डेट इज सोडियम सिलिकेट क्वाड्स क्या होते हैं क्वाड्स इज अ हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनते हैं ये और ये जो है सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मिनरल है हमारे अर्थ क्रस्ट के नेक्स्ट इज एल्युमिनियम कैन बी प्योरीफाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीडेशन डिस्टिलेशन इलेक्ट्रोलाइसिस और जोनोलाइसिस करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम एल्युमिनियम को प्रोफाइ प्योरीफाई uh, कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इनमें से रेडियो एक्टिव बताना है सीजियम प्लाटिनम स्ट्रोनियम स्ट्रॉनटियम थोरियम करेक्ट आंसर विल बी थोरियम

नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडीज़ ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन आयरन करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीजन ए दैट इज ऑक्सीजन थर्टी सिक्स का ए हो जाएगा क्योंकि हमारा बॉडी में तो मैक्सिमम वाटर ही होता है सो ऑक्सीजन विल बी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज़ यूज बाय डायबिटिक पेशेंट तो डायबिटिक पेशेंट इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं एस्पार्टेम सुक्रालोज सैकरिन ग्लूकोज करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज सेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल तो इनमें से वुड अल्कोहल किसे कहा जाता है इथेनॉल प्रोपेनॉल मिथेनॉल ब्यूथेनॉल करेक्ट आंसर विल बी थर्टी एट का सी दैट इज मिथेनॉल इन्हें जो होता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन ऑफ वुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आफ द फॉलोइंग इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन फ्लोरिन क्लोरिन आयोडिन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरिन की होती है दैट इज़ बी फोर्टी क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री कमर्शियली सोडियम बाय कॉर्बोनेट इज ऑल्सो नोन इज नोन एज वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर सोडा एश फोर्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डैट इज बेकिंग सोडा सोडियम बाय कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा को ही कहते हैं तो हमारे फोर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए हैं अब आके लास्ट टेन क्वेश्चन जो फिजिक्स है फिजिक्स हैं फोर्टी वन क्वेश्चन इज न्यूक्लियर रिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन कोल्ड फ्यूजन सुपर कंडक्टिविटी करेक्ट आंसर जो है वो है ए दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू स्टडी डिस्पर्शन ऑफ़ लाइट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर करेक्ट आंसर विल बी सी डेट इज स्पेक्ट्रोमीटर डिस्पर्शन ऑफ़ लाइट को स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर से नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आया था यही कि ऑप्टिकल फाइबर जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो एक तरह से ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है फोर्टी थ्री का आंसर हो जाएगा सी दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मैं फिजिक्स के लिए अलग से भी वीडियो बनाऊँगी इंडिविजुअल जिसमें से फिज़िक्स और केमेस्ट्री के क्वेश्चन होंगे सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है मेहनत लगता है तो आई थिंक आपको समझ आप मेरे एफर्ट्स को समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फोर द डिवाइस विच कन्वर्ट्स ए टू सी टू डी सी इज ऑसिलेटर एम्पलीफायर रेक्टिफायर नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर विल बी सी दैट इज़ रेक्टिफायर जो है ए सी से डी सी में कन्वर्ट करता है करेंट को वॉट इज़ द रीज़न ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स रेस्ट ऑल न्यूट्रॉन्स एट रेस्ट तो यहाँ पे जैसे आपको रेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आप एकदम से हटा देना वो ऑप्शन क्योंकि रेस्ट में रहेगा तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मोशन वाले में ही चार्ज प्रोड्यूस होता है यहाँ पे है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी फाइव का बी फोर्टी सिक्स क्वेश्चन इज शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग विच लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस सिलेंड्रिकल लेंस बाई लेंस करेक्ट आंसर व बी फोर्टी सिक्स का बी डेट इज़ कॉन्केव लेंस शॉर्ट आई कुल यूज होता है इसे आई साइड नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ मास वन के जी अंडर गोज चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम अंडर गोज चेंज ऑफ वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकेंड इन फोर सेकेंड वॉट इज़ द फोर्स वर्किंग ऑन इट तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमारिकल का क्वेश्चन लिया है क्योंकि मैंने इससे पहले भी फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं जो वन उसमें भी मैंने दिया था और बताया था कि एम एन एस में आप कुछ नहीं लगा इस टाइप का पहले नहीं आता था ज़्यादा हार्ड नहीं रहता फार्मूला बेस्ड ही रहता है और फॉर ईजी फार्मूलाज भी रहते थे क्वेश्चन देखिए मास यहाँ पर दिया हुआ है वन के जी एंड वेलोसिटी बोल रखा है फोर मीटर पर सेकेंड एंड टाइम दे रखा है तो फॉर फोर्स पूछा है फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इन टू एक्सेरेशन तो पहले हम एक्सलरेशन निकाल लेते हैं दैट इज़ वी बाई टी तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम वी बाई टी और वैल्यू बस पुट करना है पहले मैं इसे हटा लेती हूँ हमें बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे मास है हमारा वन वेलोसिटी इज़ फ़ फोर टाइम इज़ फ़ फ़ोर सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सब सही है तो ये वन से वन कटा आंसर विल बी वन न्यूटन सो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा फोर्टी सेवन का ए दैट इज़ वन न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इन बिल्ट सोर्स ऑफ एक्स रे कामा रे अल्ट्रा वायलेट रे इन्फ्रा रेड रे करेक्ट आंसर विल बी डी डैट इज़ इंफ्रा रेड रे रिमोट में जो आगे छोटा सा बटन होता है वो इंफ्रारेड इन्फ्रेटरी रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग फोर्स रिक्वायर टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काइनेटिक फोर्स नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज सेंट्रिफिकल फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द रेट ऑफ वेलोसिटी वन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम पासिस थ्रू द मेन पोजिशन मेन पोजिशन से जब कोई पार्टिकल गुजरेगा सपोज ये एक्सट्रीम पोजिशन है दोनों और बीच में मीन पोजिशन होते हैं तो जब मीन पोजिशन से कोई पार्टिकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम होगी डेट इज़ फिफ्टी का बी यहाँ से मीन पोजिशन पे जो स्टार्ट करता है पार्टिकल तो वी यहाँ पे जीरो हो जाता है एक्सट्रीम पोजिशन पे वी विल बी ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन और एक किस तरह से राउंड पूरा करता है जिससे तो बोलते हैं वन ऑस्यूशन तो इसका मैक्मम वैलोसिटी मेन पोजिशन पर होगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सो so फ्रेंड्स हमारे टोटल वन टोटल फिफ्टी क्वेश्चन हो गए साइंस के और अगर हम देखें तो मोकटस मोकटस टू के जो वन फिफ्टी क्वेश्चन है वो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं ये पार्ट थ्री था आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगी और जितने लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब किया है उन सबको लिए बहुत थैंक यू ओके थैंक यू गैंस